जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से? गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो सभी लोग आ जाइए और गुप्त साम्राज्य का जो है निपटारा एकदम आसान तरीके से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, एक बार धमाकेदार तरीके से। चलिए देखिए, जानकारी के जो है स्रोत, यानी जानकारी के स्रोत स्टार लगाइए यहाँ पे। जानकारी के स्रोत के हिसाब से देखिए, जानकारी के स्रोत के हिसाब से है इसमें नंबर एक पे देखिए, साहित्यिक स्रोत। क्या है, कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है, साहित्यिक में क्या आती है, आप लोग समझ सकते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में अभिलेख और इसमें जो आ जाएंगे, साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं ग्रंथ। क्या आते हैं साहित्यिक स्रोत में? ग्रंथ आ जाते हैं, बुकें आती हैं, ग्रंथ। ठीक, ग्रंथ एवं जो है बुकें, किताबें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें यह है साहित्यिक स्रोत, ये जो साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं आपके। अगला देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें क्या क्या आते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए कि जो है पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं। पुरातात्विक जो स्रोत में है इसमें आ जाएंगे आपके अभिलेख। क्या आएंगे? अभिलेख। इसमें आपके आते हैं अभिलेख और सिक्के। सिक्के यानी ये पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। आगे देखिए, आगे दिया है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री हैं उनका विवरण दिया, जो विदेशी आपके यात्री हैं उनका विवरण। चलिए देखते हैं विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो क्या है। विदेशी यात्रियों का विवरण है, विदेशी यात्री में ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग डाल लीजिए चीनी, चीनी यात्री, चीनी यात्री या फायान। क्या? फायान, फायान डाल लीजिए। ठीक है, चीनी यात्री या फायान जो है विदेशी आपके यात्री हो जाएंगे, चीनी यात्री या फायान। इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं साहित्यिक स्रोत जो है मुख्य रूप से क्या है। देखिए साहित्यिक स्रोत में जो मुख्य रूप से है वो क्या है, देखिए देवी चंद्रगुप्त, यानी साहित्य स्रोत में जो है मुख्य जो रूप से देवी चंद्रगुप्त। ठीक है, देवी चंद्रगुप्त जो है इसमें लेखक किसका है? विशाल दत्त का है। इसमें लेखक जो है विशाल दत्त, देवी चंद्रगुप्त के जो लेखक हैं विशाल दत्त हैं। विशाल दत्त का किसका लेखक है? विशाल दत्त। इसमें जो है वर्णन चंद्रगुप्त सेकंड का है, वर्णन जो है आपका चंद्रगुप्त सेकंड का है और आपका है और रामगुप्त का है, और वर्णन जो है आपका रामगुप्त का है। दो लोगों का यहाँ पे वर्णन है, वर्णन चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड का और रामगुप्त का वर्णन है। आप लोग आसानी से देखिए, आगे देखिए गुप्त वंश का विस्तार से वर्णन। अब यहाँ पे जो है गुप्त वंश है वहां पे जो है विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। उस हिसाब से आप लोग जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखें। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का जो है स्ताप से वर्णन, विस्तार से वर्णन। देखिए यहाँ पे कालिदास आ जाते हैं आपके। कौन आएगा? कालिदास। यहाँ पे कालिदास आ जाते हैं, इनकी जो रचना है कालिदास की रचना है। देखिए कालिदास की जो रचनाएं हैं ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ऋतु संगार। ऋतु संगार की रचना है किसकी है? ऋतु संगार जो एक रचना है वो किसकी? यहाँ पे कालिदास की हो जाएगी ऋतु संगार जो रचना है। आगे देखिए कुमार संभव, कुमार संभव ज्यादा नहीं पूछी जाती है, मेघदूत बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मेघदूत एक जो कालिदास की रचना है, मेघदूत और बाल विकाग्नि मित्रम, बाल विकाग्नि जो मित्रम है ये भी ज्यादातर जो है पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास की जो रचना है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है। तो आप लोग इन रचनाओं को अच्छे तरीके से गुप्त साम्राज्य में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अगर देखिए मृच्छ जो है कटिका, मृच्छ कटिका में किसका वर्णन है? शूद्रक का जो है मृच्छ कटिका में वर्णन है। मृच्छ कटिका में किसका वर्णन है? तो मृच्छ कटिका में जो है आपका शूद्रक का वर्णन हो जाएगा। शूद्रक का, अब इसमें देखिए शूद्रक का वर्णन और गुप्त साम्राज्य का भी वर्णन इसी में है। गुप्त साम्राज्य का वर्णन, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का भी इसी में जो है वर्णन है। आगे देखिए कामसूत्र, कामसूत्र में जो है गुप्त साम्राज्य और उपास्यापन का जो है वर्णन है। उपास्यापन का जो है गुप्त कामसूत्र में
आपका गुप्त साम्राज्य और वात्स्यापन का जो है इसी में वर्णन है, वात्स्यापन का जो है इसी में वर्णन। चलिए आगे देखते हैं।